स्वागत है बच्चे आप लोगों का सेट नंबर 34 में। देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि देखिए जो मैं डिस्कशन करा रहा हूँ उसके सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए। पहले ही आप मार चुके होंगे सेट, या पहले सेट को एक बार देख लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, देन आफ्टर आप क्या कीजिए डिस्कशन देखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जाता है। तो ये बर्जिलियस ने किया था बेटा, बर्जिलियस ने, ध्यान दीजिए बच्चे, बर्जिलियस ने तत्वों का नाम दिया था, नाम की प्रक्रिया का विकास किया था। बर्जिलियस ने क्या किया था, बर्जिलियस ने तत्वों के नामकरण के लिए प्रक्रिया विकसित की थी, नामकरण के लिए प्रक्रिया विकसित की थी। एकदम ध्यान में रखिएगा, तत्वों के नामकरण के लिए प्रक्रिया विकसित की थी। और इन्होंने कहा कि देखिए, देखिए प्रक्रिया विकसित की थी, इन्होंने कहा कि देखिए आपको विकसित की थी, क्या कहा इन्होंने, इन्होंने कहा कि देखिए तत्वों का जो नामकरण होता है वह अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर होता है। पहला इन्होंने क्या कहा कि देखिए तत्वों का नामकरण अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से होता है। तत्वों का नामकरण जो होता है, नामकरण वो क्या होगा, अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर होगा। ठीक है, पहले ये इन्होंने बताया अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर होगा। जैसे बहुत सारे तत्व ले सकते हैं आप, अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर होगा, जैसे कार्बन, कार्बन का सी ले लीजिए, ठीक है, आपको ऑक्सीजन का ओ ले लीजिए, जैसे कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम का सी ए लेते हैं हम लोग। लेकिन आपको फिर इन्होंने कहा कि देखिए बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जिनका नाम, ठीक है, आपको क्या होगा एक या एक से अधिक अक्षरों से लिखा जाता है, जिसमें मान लीजिए कि आप ले लेते हैं जैसे सीजियम लीजिए, जैसे कैल्शियम लेते हैं, ठीक है, कैल्शियम ले लीजिए, जैसे कहाँ आपको लीजिए कॉपर ले लीजिए, तो बच्चे कॉपर तो क्यूपरम से आता है सी यू, लेकिन ये देखिए सीजियम तो सी एस आ गया, कैल्शियम सी ए आ गया। तो ठीक है, इन्होंने बताया दूसरा इन्होंने क्या दिया कि देखिए किसी भी तत्व का जो संकेत होता है वह अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर कोई अन्य प्रधान अक्षर होगा। और फिर इन्होंने तीसरा नियम बताया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे। तीसरा नियम इन्होंने क्या कहा कि देखिए बहुत सारे तत्वों का नाम क्या होगा, तो वह लैटिन या ग्रीक अक्षरों द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ग्रीक अक्षर से लिखा जाता है। देखिए कैसे लिखा जाएगा, जैसे हम ले रहे हैं, बहुत पूछेगा आपसे हाइड्रा गैरम, ये बेटा मरकरी है, क्या है, मरकरी, मरकरी को हम क्या बोलते हैं लैटिन भाषा में, हाइड्रा गैरम कहते हैं, हाइड्रा गैरम। तो यहाँ से आ गया क्या, यहाँ से आ गया एच जी, क्या आ गया एच जी, याद रखिएगा मरकरी का सिंबल क्या होगा, एच जी होगा। फिर देखिए जैसे एक और ले रहे हैं हम, यहाँ देखिए जैसे ऑरम, ऑरम मतलब गोल्ड होता बेटा, तो यहाँ से क्या आ गया ए यू आ गया। जैसे अर्जेंटम, 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 ध्यान दीजिएगा बच्चे, अर्जेंटम, अर्जेंटम सिल्वर का होता है, यहाँ से क्या आ गया ए जी आ गया। ठीक है, जैसे आपको लेड ले लीजिए, लेड से क्या होगा प्लम्बम, पी बी आ जाएगा। तो बहुत सारे तत्वों का नामकरण इन्होंने, ठीक है, किया, और इन्होंने तीन पद्धति का विकास किया। पहला क्या किया कि देखिए तत्वों के नाम का, तत्वों का नाम जो है अंग्रेजी में अगर लिखा जाए तो अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर संकेत होगा। दो या दो से अधिक तत्वों का अंग्रेजी नाम अगर समान अक्षर से हो तो उसमें क्या करते हैं, कोई पहला अक्षर और कोई अन्य प्रधान अक्षर को लेकर के संकेत बना दिया जाता है। तीसरा इन्होंने क्या कहा कि देखिए बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनका लैटिन या ग्रीक नाम से संकेत लिखा जाता है, जैसा कि मैंने बताया आपको प्लम्बम पी बी, कांच हो गए, अम्बते सीसा हो गया बेटा, फिर देखिए आपको मरकरी एच जी, फिर बहुत सारे तत्व इस तरह से हैं, जैसे ले सकते हैं आप, ले लीजिए हाइड्रा गैरम मरकरी, मैंने कहा ही कहा प्लम्बम कहा ही, ऑरम कहा ही, अर्जेंटम कहा ही, ठीक है, फिर भी और भी क्यूपरम तो सी यू ले लिए, जैसे फेरस, ठीक है, फेरस या लोहा एफ ई ले लिए। तो इस तरह से इन्होंने नाम दिया, फेरम नाम दिया, तो जिससे क्या हुआ आपको लैटिन या ग्रीक नाम से आपको संकेत लिखा गया। अब यहाँ पर देखिए डेमोक्रेटस ने सबसे पहले अणु के बारे में चर्चा किया था, एकदम याद रखिएगा, अणु 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 के बारे में किसने बताया था, तो डेमोक्रेटस ने, लेबोजियर ने द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण बताया था, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया था, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया, डॉल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, डॉल्टन ने क्या दिया परमाणु सिद्धांत दिया था, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, डॉल्टन ने क्या दिया परमाणु सिद्धांत दिया था। चलिए ये अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक द्रव जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक को
20 ग्राम पानी में घोला जाता है। द्रव्य के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में संयोजकता की गणना करें। तो बच्चे द्रव्यमान के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में, ये संयोजकता गलत है यहाँ पर लिखा हुआ, तो आपको द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना। मास परसेंट, बच्चे मास परसेंट जब भी आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, चूंकि विलय में घुलता है, मास परसेंट किस में घुलता है, तो विलय में घुलता है, तो विलय देख लीजिए क्या होगा। तो क्या मास परसेंट क्या करते हैं, हमने कई बार आपको बताया, देखिए विलय का मान याद रखिए बेटा, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, विलय का मान, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा होगी, विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा होती है। तो अब देखिए विलय की मात्रा कितनी होती है, गुना क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो विलय की मात्रा देखिए कितना है, तो बच्चे 49 ग्राम है। विलयन की मात्रा कितनी है, तो 320 प्लस क्या 49 कर दीजिए, तो ये देखिए 49 बटे क्या होगा, गुना 100, तो ये निकाल लीजिए 49 बटे 369 गुना 100, तो अब बेटा निकाल लीजिए इसका, तो ये कितना आ जाएगा, तो एकदम आसानी से आपको निकल जाएगा 13.28%, 13.28% ये निकल जाएगा, तो ये ध्यान में आपको रखना चाहिए। ठीक है, मैंने बार बार आपको बताया है कि देखिए अगर बोलेगा क्या निकालने के लिए, अगर बोलेगा सांद्रता निकालने के लिए, तो सांद्रता बराबर क्या होता है, सांद्रता, कहीं भी सांद्रता अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान में रखिएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी विलय का मोल में मान बटे विलयन का लीटर में आयतन, यानी ठीक है आपको क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, याद रखिए बच्चे इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम मोलरिटी भी कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। तो ये ध्यान में आपको रखिएगा, सांद्रता या सांद्रता प्रतिशत या मोलरिटी, बोथ आर सेम थिंग, तो ये ध्यान में रखिएगा, मोलरता निकाल लेते हैं इससे, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते बेटा, यहाँ देख लीजिए नेक्स्ट कह रहा है, डैश ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। देखिए विद्युत ऊर्जा, ठीक है, आपको क्यों होता है विद्युत ऊर्जा, तो बच्चे आवेश, आवेश के गति के कारण, आवेश के गति के कारण, आवेश के गति के कारण, ध्यान में रखिएगा गति के कारण, तो ये ऊर्जा हो गया कौन सा, तो आपको इस ऊर्जा को बोलते हैं हम लोग क्या, विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, तो रासायनों के गति के कारण, रासायनों के गति के कारण, के गति के कारण ऊर्जा को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, गति के कारण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहेंगे। अब देखिए यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग होते हैं, पहला भाग क्या हो गया, तो इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दूसरा क्या होगा, तो मैकेनिक, मतलब बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी हो गया। यानी यांत्रिक ऊर्जा के दो भाग होते हैं बच्चे, एक तो काइनेटिक एनर्जी, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच होता है, और ध्वनि, तो ध्वनि, ध्वनि जो है, ध्वनि खुद ब खुद ऊर्जा है, ध्वनि आपको क्या है, तो बच्चे ऊर्जा का रूप है, याद रखना है ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का रूप होता है, और ध्वनि कौन सा तरंग है, तो ध्वनि जो है आपको, ठीक है, याद रखना है यांत्रिक तरंग है, ध्वनि जो है, ठीक है, आपको मैकेनिकल वेव्स है, और ध्वनि जो है जब माध्यम से गमन करती है तो इसकी प्रकृति अनुदैर्ध्य तरंग की होती है, यानी आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रकृति होगी। तो ये बस सब बातें याद रखनी है बच्चे, तो आंसर क्या होगा, तो आंसर इसका हो जाएगा, आपको मैंने बताया कि यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन, तो मैकेनिकल एनर्जी का दो प्रकार, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, करा मंदन क्या होता है, तो बच्चे मंदन जो है, याद रखिए, अब देखिए आपको पता है मंदन कहाँ से आएगा, तो त्वरण से आएगा, तो त्वरण, त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, और मैंने आपको कई बार बताया बच्चे कि अगर अगर भी ग्रेटर देन यू हो जाए तो ए पॉजिटिव होगा, ए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसको क्या बोलते हैं बच्चे, मन, इसको बोलते हैं त्वरित गति, कौन सी गति, त्वरित गति बोलेंगे। अब देखिए अगर भी बराबर यू के हो जाए, भी बराबर यू के हो जाए, ध्यान दीजिए बच्चे, भी बराबर यू हो जाए तो ए क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और इस गति को एक समान गति कहते हैं, एक समान गति कहा जाता है, एक समान गति कहा जाता है, एक समान वेग से गति कहा जाता है, ये ध्यान में रखिए। और देखिए भी आपको लेस देन यू हो जाए तो ए बराबर निगेटिव हो जाता है, और इसे ही क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं, मंदन कहते हैं, यानी त्वरण यहाँ निगेटिव होगा, त्वरण अगर निगेटिव हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मंदन कहा जाता है। तो ध्यान में रखिए बच्चे, त्वरण, ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, तो मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, तो मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, एकदम याद रखिएगा।
और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ये देखिए ये ग्राफ हो गया बच्चे, ये वेग है और ये क्या है, समय। वेग समय ग्राफ अगर इस प्रकार का हो तो इसको मंदन कहा जाता है। वेग समय ग्राफ अगर समय अक्ष की तरफ जाए या ऋणात्मक अक्ष की तरफ जाए तो इसे मंदन कहा जाता है। और ये देखिए एक समान वेग के लिए ग्राफ कैसे होगा, ये होगा, ये वी है और ये टी है, एक समान वेग, यहाँ त्वरण का मान जीरो हो जाएगा। और ठीक है, आपको नियत त्वरण के लिए क्या होगा ग्राफ, या ए बराबर पॉजिटिव के लिए क्या ग्राफ होगा, तो बच्चे ये देखिए मूल बिंदु से गुजर रहा है, यहाँ नियत त्वरण, त्वरण ए बराबर क्या हुआ, नियत हो जाएगा, त्वरण ए क्या होगा तो नियत होगा। तो ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेगी तभी जाके क्वेश्चन बनेगा आपसे। यहाँ देख लीजिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, तो बच्चे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को, ध्यान दीजिए कार्बन प्लस हाइड्रोजन के बने यौगिक, कार्बन प्लस हाइड्रोजन के बने यौगिक क्या कहलाएंगे, तो बने यौगिक कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन। और यह मुख्य रूप से कितने प्रकार के, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहले क्या होगा तो बच्चे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, संतृप्त होगा, और ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, और इसे क्या कहते हैं, तो एल्केन कहते हैं, एल्केन कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CnH2n+2, और इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड होगा और इसे क्या कहा जाएगा, एल्केन कहा जाएगा। बहुत सारे यौगिक इसके उदाहरण हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं जैसे मिथेन CH4, जैसे इथेन C2H6, जैसे ठीक है आपको ब्यूटेन बोलते हैं, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, तो ये सब आपको क्या हो गए, यौगिक हो गए, मिथेन ठीक है, मिथेन इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन, मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, ये सब क्या हुआ आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। अब देखिए दूसरा जो है वो असंतृप्त होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और ये बेटा सी डबल बॉन्ड सी भी होगा और सी ट्रिपल बॉन्ड सी भी होगा। अब यहाँ देखिए दो भाग में इसको बांट दीजिए, पहला बांटते हैं एल्कीन, क्या बांटते हैं एल्कीन, और एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और इसका ठीक है आपको पता होनी चाहिए कि इसका जो प्रमुख यौगिक होता है C2H4 होता है, और इसको बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं इथिलीन, क्या बोलेंगे, इथिलीन बोलेंगे या इथीन कहेंगे, आईपीएक नाम क्या होगा, इथीन होगा। और दूसरा जो कंपाउंड होगा उसको बोलते हैं एल्काइन, क्या बोलते हैं, एल्काइन बोलते हैं, और ये क्या होता है, तो बच्चे CnH2n-2, CnH2n-2 होता है, और इसका ये देखिए C2H2 हो गया, C2H2 हो गया, तो इसको बोलते हैं एसिटिलीन, क्या बोलेंगे, एसिटिलीन या इथाइन कहते हैं, इथाइन कहते हैं। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपको पूछेगा तो क्या हुआ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हमने क्या कह दिया, एल्कीन बोलते हैं, एल्केन कह दिया। अब देखिए समस्थानिक किसको बोलते हैं, तो समस्थानिक में क्या होता है, सबसे पहले ठीक है परमाणु संख्या समान होगा, एकदम याद रखिएगा परमाणु संख्या क्या होगा, समान होगा, ये देखिए समान हम लिख रहे हैं, परमाणु संख्या समान होगा, प्रोटॉन की संख्या समान होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, और क्या होगा, तो बच्चे और क्या होगा, रासायनिक गुण समान होगा, रासायनिक गुण समान होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा रासायनिक गुण समान होगा। भिन्न क्या होगा, तो सबसे पहले भिन्न होगा द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या ठीक है, फिर क्या भिन्न होगा, तो बच्चे भिन्न होगा एक और चीज भिन्न होगा क्या, तो न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगी, और न्यूट्रॉन ये देखिए न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, भिन्न होगी, और भौतिक गुण आपको भिन्न होगा। तो ये बातें याद रखनी पड़ेगी आपको कि सर ने क्या क्या बताया है, समान कौन कौन होगा, तो समान होगा याद रखिएगा परमाणु संख्या समान होगा ठीक है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या रासायनिक गुण समान होगा, भिन्न क्या होगा, तो द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होगा और भौतिक गुण भिन्न होगा। भिन्न 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 कौन कौन होगा, तो भिन्न होगा द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या और भौतिक गुण आपको भिन्न होता है। तो ये सब बातें याद रखनी पड़ेगी आपको, तभी जाकर के याद होगा आपको। यहां देखिए अम्लों के आधार पर कौन सा सही है, बहुत अच्छी बात है बच्चे, अम्ल अम्ल कह रहे हैं, जब भी अम्ल की चर्चा हो तो मैं आपको चार पांच बातें बताता रहता हूं। ये देखिए अम्ल ठीक है, वह पदार्थ जो क्या करेगा, वह पदार्थ जो ध्यान में रखिएगा, जो क्या करेगा, तो जल में ठीक है, एक नंबर जल में H+ आयन देगा, जल में H+ आयन देता है, एकदम ध्यान में रखिएगा H+ आयन देता है, पहली बात हो गई ठीक है, ये बताया था अरहेनियस ने। दूसरा यह क्या होगा, तो यह जो है यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये लुईस ने बताया था ग्रहण करेगा। और देखिए बेटा यह जो है तीसरा नंबर क्या होगा, कि यह जो है प्रोटोन त्यागेगा, एकदम ध्यान में रखना है, प्रोटोन त्यागेगा यानी इट डोनेट्स ठीक है क्या बच्चे, प्रोटोन। और चौथा नंबर क्या होगा, तो लाल लिटमस पत्र को
बोलते हैं नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा, नीला को क्या करेगा तो लाल करेगा, नीला को क्या करेगा तो लाल करेगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए ठीक है, इसका पीएच मान क्या होगा तो 7 से कम होगा, पीएच मान क्या होगा लेस देन 7 होगा, लेस देन 7 होगा। और स्वाद में कैसा होगा तो बच्चे स्वाद में या खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होगा, स्वाद में क्या होगा तो खट्टा होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। स्वाद में कैसा होता है तो खट्टा होता है, ध्यान में रखिएगा बच्चे, स्वाद में कैसा होगा तो खट्टा होगा। ठीक है, ये देखिए स्वाद में कैसा होगा तो खट्टा होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्वाद में आपका खट्टा होता है। और सातवां नंबर क्या होगा तो यह फिनोप्थेलिन को, पीएच पीएच फिनोप्थेलिन को यह क्या कर देगा, रंगहीन कर देगा, क्या कर देगा रंगहीन कर देता है। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये देखिए अम्लों के आधार पर कौन सा सही है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, गलत बात है, नीला को लाल करता है। OH को जलीय माध्यम में पेश करता है, गलत बात है, H प्लस आयन को पेश करेगा, जलीय और घुली स्थिति में विद्युत का संचालन करता है, ये सही है बच्चे। ठीक है, निष्प्रभावीकरण दर्शाता है, गलत बात है बच्चे, आंसर हो जाएगा 6 का डी नंबर, क्या होगा 6 का डी नंबर होना चाहिए आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, जलीय और घुलीय अवस्था में, जलीय घुलीय अवस्था में विद्युत का संचालन करता है, तो ये तो करता ही करता है, लेकिन मेन गुण क्या होगा बच्चे, जलीय और घुलीय अवस्था में, जलीय अवस्था में हमेशा यह रहता ही है, ये घुलेगा कहाँ से, तो ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये घुलेगा नहीं बेटा, ये घुलेगा नहीं, क्योंकि ये देखिए ये तब ये एकदम एकदम ध्यान में रखिएगा, अम्ल 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 हमेशा हमेशा जलीय अवस्था में ही रहता है, अम्ल हमेशा किस अवस्था में रहेगा, जलीय अवस्था में ही रहेगा, तभी जाकर के ठीक है इसका क्या होगा प्रभाव दर्शाता है, यह अवस्था में रहता है, एकदम याद रखना बच्चे इसको। ठीक है, अम्ल जो है हमेशा जलीय अवस्था में ही रहता है और ये कार्य भी करेगा जलीय अवस्था में रह करके, अगर इसमें जल नहीं है तो गड़बड़ है बच्चे। और ये देखिए ये निष्प्रभावीकरण पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, निष्प्रभावीकरण, देखिए निष्प्रभावीकरण इंग्लिश देखते तो इसलिए कन्फ्यूजन हुआ, यहाँ इंग्लिश में अगर बात करते तो ये क्या होता है तो बच्चे ये हो जाता क्या बनाना, तो निष्प्रभावीकरण का मतलब हो गया ठीक है आपको उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है उदासीनीकरण प्रभाव प्रदर्शित करता है, कैसे बच्चे, तो आपको पता है बच्चे आराम से देखिए कि अम्ल अम्ल मान लीजिए अम्ल है और क्षारक जो है, जैसे ही अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करेगा ये क्या करेगा लवण और जल बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, अम्ल क्षारक का और क्षारक अम्ल के प्रभाव को पूर्णतः निष्क्रिय कर देता है, जिसकी वजह से इसको निष्प्रभावीकरण कर दर्शाता है, यानी कौन सा प्रभाव दर्शाएगा, निष्प्रभावीकरण दर्शाएगा। मैंने पहले बताया आपको कि जलीय और घुली अवस्था में विद्युत का संचालन, तो ये विद्युत का संचालन निश्चित रूप से करता है, घुली चूंकि ये खुद जलीय अवस्था में रहता तो ये घुलेगा नहीं बच्चे, इसीलिए ये आंशिक रूप से ये वाला हिस्सा सही है, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या है कि ये गलत हो गया बच्चे, इसीलिए ये टर्म क्या हो गया गलत हो गया, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। तो निष्प्रभावीकरण यह दर्शाता है, क्योंकि यह उदासीनीकरण अभिक्रिया शुरू करेगा, अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करता है, तो एकदम ध्यान में रखिएगा। देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट करके सवाल है, तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए बाकी तो मैंने अम्ल के विषय में बताया ही आपको। यहां देखिए कौन सा जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलता है, आप बताइए बेटा। ठीक है, पोषण का मतलब क्या हुआ, पोषण का मतलब हुआ ठीक है खाद्य पदार्थों में उपस्थित ठीक है आवश्यक पोषक पदार्थों का अवशोषण, ये देखिए पोषक पदार्थों का अवशोषण हो गया, पोषक पदार्थों का अवशोषण याद रखिएगा, पोषक पदार्थों का अवशोषण ही कहलाता है क्या, पोषण कहलाता है बच्चे, इसको एसिमिलेशन कह सकते हैं एक तरह से ठीक है अवशोषण। मान लीजिए कि आपके आपके खाद्य पदार्थ में बहुत सारा पदार्थ होता है, उसको छोटे छोटे कणों में छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों में तोड़ करके जब शरीर अवशोषित करता है तो उस प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। उत्सर्जन, बच्चे शरीर में शरीर से वर्ज्य पदार्थों का बाहर निकलना, शरीर से ठीक है वर्ज्य पदार्थों का क्या निकलना, वर्ज्य पदार्थों का बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं उत्सर्जन, पदार्थों का बाहर निकलना या बाहर निकालना ठीक है इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो बच्चे इसको बोलते हैं उत्सर्जन, अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ श्वसन क्या होता है, श्वसन ठीक है आपको कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का ठीक है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, बच्चे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण याद रखना है, तो ठीक है आपको जितने भी पदार्थ हैं उसका ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं श्वसन कहते हैं, क्या कहेंगे श्वसन कहेंगे। तो ये ध्यान में रखिएगा कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलता है, तो ध्यान में रखना है श्वसन जो है रासायनिक ऊर्जा को उसमें बोलते हैं आपको उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। और आपको पता होगा बार बार मैं बताता हूँ कि
ठीक है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया से, ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से क्या होगा, ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, पूर्णतः आपको ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और यहाँ क्रेब्स चक्र के द्वारा 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है, कितना एटीपी, 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है डैश की एसआई इकाई न्यूटन है बच्चे, तो वजन और बल की एसआई इकाई न्यूटन होती है, ध्यान में रखिएगा, न्यूटन किसकी इकाई, तो ठीक है वजन, वजन मतलब क्या हुआ, तो वजन मतलब भार हो गया, भार हो गया, भार का मतलब क्या हुआ, तो एमजी हो गया, और एमजी का मतलब क्या हुआ, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसे ही न्यूटन कहा जाता है, इसे ही न्यूटन कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, न्यूटन कहते हैं बच्चे, बहुत अच्छी बात है। बल जो है, बल, बल क्या होता है, तो बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, बल एफ बराबर हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसके इसका भी मात्रक क्या होगा, न्यूटन ही होगा, और यहाँ देखिए संवेग का मात्रक क्या होगा, तो न्यूटन इनटू सेकेंड होता है, या न्यूटन इनटू सेकेंड होगा या केजी मीटर पर सेकेंड होगा, त्वरण का मात्रक क्या होगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द्रव्यमान का क्या होगा, तो केजी होगा। अब देखिए ठीक है, बल के मुख्य रूप से, बल के मुख्य रूप से कितने मात्रक होते हैं बच्चे, तो बल के मुख्य रूप से एसआई पद्धति की बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, न्यूटन होगा, ठीक है, सीजीएस पद्धति की बात करेंगे तो क्या होगा, डाइन होगा, एफपीएस पद्धति की बात करेंगे तो पौंडल होगा, एफपीएस पद्धति की बात करेंगे तो पौंडल होगा, और अगर हम ठीक है भार में बात करें तो भार में बात करें तो भार में अगर बात करें तो क्या होगा, तो भार में केजी वेट होता है, केजी वेट होता है बेटा, एकदम ध्यान में रखिएगा, एक न्यूटन बराबर कितना डाइन, तो एक न्यूटन बराबर होता है, एक न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन, एकदम याद रखिए इसको, नोट डाउन कर लीजिए, एक न्यूटन बराबर 10^5 डाइन, एक पौंडल बराबर क्या होगा, तो एक पौंडल बराबर होता है 4.448 न्यूटन होगा, और एक केजी वेट बराबर क्या होगा, तो एक केजी वेट बराबर होता है 9.8 न्यूटन, और इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि एक न्यूटन बराबर कितना, तो 102 ग्राम वेट होता है, तो ये सब बातें याद रखिए, आप लोग को पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन बेटा, एक केजी वेट बराबर कितना, तो 9.8 न्यूटन होता है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहा है जिंक धातु, अच्छी बात है बच्चे, तो PbI2 का रंग, SO2 गैस की गंध, तो बच्चे पंजेंट स्मेल होता है SO2 का, यानी B का तो 3 होगा, पक्का होगा 3, तो अब देखिए B का 3 होगा, तो B ये 3 है, कोई बात नहीं है, यहाँ भी B 3 है, यानी इस ऑप्शन में से आपको छांटना पड़ेगा। SO2 एक विषैला गंध वाला ठीक है गैस है बच्चे, और ये काफ़ी अधिक क्रियाशील होता है, और यह जल से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, तो आपको बना लेगा ठीक है, आपको सल्फ्यूरस अम्ल का निर्माण या सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करेगा, जो अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है, कौन सा वर्षा, तो एसिड रेन इसी के कारण होते हैं बच्चे, एसिड रेन होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं, यहाँ देख लीजिए क्या होगा, जिंक धातु, तो जिंक धातु का कलर कैसा होता है और PbI2 का कलर कैसा होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा बच्चे, तो PbI2 का रंग जो है तब पीला होता है, और जिंक धातु का कलर कैसा होगा, तो ग्रे होगा, जिंक धातु का कलर क्या होगा, ग्रे होगा, PbI2 का कलर कैसा होगा, ये लेड आयोडाइड है बच्चे, लेड आयोडाइड, ये ध्यान में रखिएगा, लेड आयोडाइड है, और इसका ध्यान में रखिएगा इसका कलर कैसा होता है, तो पीला होता है, ध्यान में रखिएगा पीला होगा, और ये जिंक धातु का कलर कैसा होगा, ग्रे होगा। अब देखिए जिंक जो है यह ठीक है, यह जो है आपको मैंने बताया है 12वें वर्ग का तत्व होता है, और यह आपको इसकी परमाणु संख्या 30 है, और इसका मुख्य अयस्क जो होता है वह जिंक ब्लैंड होता है, ZnS होता है, जिंक ब्लैंड इसका मुख्य अयस्क है, तो मैं बार बार आपको बताता ही रहता हूँ कि कौन कौन किसके अयस्क है, जस्ता नीला सफ़ेद कड़ा तथा भंगुर होता है, जस्ता का अयस्क कौन होगा, जिंक ब्लेंड होगा। प्याज में करवाहट का मुख्य कारण क्या होता है, तो सल्फर के यौगिक का होना होता है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, आप लोग बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। यहाँ देखिए जब बिजली के एक हीटर स्रोत से 4 एम्पियर का विद्युत प्रवाह होता है, तो टर्मिनलों के बीच इसकी गतिज अंतर 60 वोल्ट है, तो इतना हो जाए तो क्या होगा बच्चे, एकदम आसान सवाल है, क्या कह रहा है, या देखिए विद्युत धारा आई और क्या है, तो वोल्ट के बीच में, और ये वोल्ट दिया हुआ है, तो आप बच्चे
वोल्ट और विद्युत धारा का संबंध है, तो आपको पता है भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है, किसके नियम से, ओम के नियम से। तो अब हमको ओम के नियम से, हमको आर से कोई लेना देना नहीं है, हम डायरेक्ट इस दोनों के रिलेशन से लेंगे। तो भी बटा आई बराबर आर बराबर क्या कर दीजिए, नियत कर दीजिए, क्योंकि प्रतिरोध किसी भी चालक तार का नियत होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, तो भी बटा आई है, तो अब बच्चे भी वन भी बटा आई बराबर लिख सकते हैं, भी वन बटा आई वन बराबर क्या, भी टू बटा आई टू बराबर क्या, आपको नियत। ये देखिए एक फार्मूला मैंने यहाँ से बना लिया, मैं कई बार बनाता हूँ इस तरह का फॉर्मूला। अब देखिए क्या होगा, तो वोल्ट का कितना वैल्यू है, 60 बटे कितना 4 बराबर, वोल्ट का वैल्यू कितना है 157.5 बटे कितना, तो बच्चे आई टू हो गया, तो आई टू का मान निकालिए, तो दिस इंप्लाई आई टू बराबर क्या हो जाएगा, 157.5 बटे कितना, तो बच्चे 15 हो जाएगा, 15 तो 15 का 15 ठीक है, 15 का 15 और क्या होगा, तो बच्चे 15 × 5 = 75 यानी 10.5 एम्पियर धारा उत्पन्न होगा। कितना धारा, तो 10.5 एम्पियर धारा उत्पन्न होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, देखिए कितना आसानी से मैंने इस सवाल को हल किया है, आपको भी एकदम ध्यान में रखना है। ओम के नियम से भी बटा आई बराबर आर कर लिया, नियत कर लिया, यानी भी वन बटा आई वन बराबर भी टू बटा आई टू बराबर ये भी नियत होगा, तो इसके आधार पर तुरंत आपको सवाल बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहाँ देखिए निम्न में कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापता है, तो किए गए कार्य की गति को मापने के लिए ऊर्जा, ऊर्जा मुख्य रूप से क्या होता है, ऊर्जा होता है। बच्चे आपको पता होगा कार्य किसको कहते हैं, कार्य क्या होता है, तो कार्य क्या होता है, तो कार्य W बराबर F डॉट S होता है, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, बल और डॉट विस्थापन, ये डॉट क्या होता है, तो बच्चे ठीक है बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, ये कौन सा गुणनफल है, अदिश गुणनफल है, और इससे निकाल के ले आएंगे FS cos थीटा निकाल के ले आएंगे। और ठीक है ऊर्जा किसको कहते हैं, तो किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा ऊर्जा कहलाती है, ध्यान में रखिएगा इसको, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। बल क्या होता है, तो संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं, संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। और डी बटा डी टी और एम भी ले लीजिए, और यहाँ पर एम को बाहर निकाल लीजिए तो एम ए हो जाएगा बच्चे, तो इसको बल कहते हैं। शक्ति क्या होता है, तो कार्य में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, कार्य में परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, तो शक्ति कहेंगे, एकदम ध्यान में रखिएगा। और शक्ति क्या होगा, तो शक्ति का बहुत सारा फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, ये देखिए एफ भी कॉस थीटा भी हम ले सकते हैं, शक्ति को हम ले सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बटा टी भी ले सकते हैं, शक्ति को हम क्या आपको पोटेंशियल एनर्जी बटा टाइम भी ले सकते हैं शक्ति को। तो ये सब शक्ति का फॉर्मूला है, शक्ति P बराबर क्या होगा, तो W बाय T, शक्ति P बराबर F भी cos थीटा, शक्ति P बराबर क्या होगा 1/2 mv² / t होगा, शक्ति P बराबर क्या होगा mgh/t भी होगा। तो ये ध्यान में रखिए, आगे बढ़ रहे हैं, एब्स में शामिल है बच्चे, एब्स बोलना, एब्स एब्स मतलब मच्छी, एब्स मतलब क्या हुआ, एब्स मतलब क्या हुआ, तो एकदम ध्यान में रखिए, एब्स मतलब एब्स मतलब हम बोलते हैं किसको, पक्षी को, पक्षी को बोलते हैं, ध्यान में रखिए एब्स का मतलब क्या होगा, पक्षी हो गया। और यह संघ कॉर्डेटा में 13वें वर्ग में आता है, और यह क्या होगा, तो नियत ताप प्राणी है बच्चे, इनके शरीर पंखों से ढके होते हैं। तो एब्स में कौन आएगा, तो एब्स में आ गया, याद रखिएगा एब्स में कौन आएगा, तो पक्षी आएगा। और इसमें मैंने क्या कहा कि नियत ताप प्राणी है, नियत ताप प्राणी है, पहली बात नियत ताप प्राणी है, फिर क्या बात बच्चे, तो नियत ताप प्राणी है। और ये क्या है, तो एकदम याद रखिएगा, पक्षी में हार्ट में 4 चैम्बर होगा, हार्ट में 4 चैम्बर होगा, मैं बार बार आपको बताता रहा, तो हार्ट में कितना चैम्बर हो गया, तो 4 चैम्बर होगा। और याद रखिए बच्चे कि इसका शरीर, इसके शरीर में पाए जाने वाले हड्डियां वातिल होती हैं, मछलियां इसके शरीर में कितना होगा, तो 2 चैम्बर होगा, और ये स्तनधारी इसके शरीर में कितना चैम्बर होगा, तो 4 चैम्बर होगा। तो ये सब बातें याद रखिए, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उभयचर में कितना होगा, तो 3 होगा, सरीसृप में कितना होगा, तो 3 होगा। तो ये सब याद रखना है आपको, बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ स्तनधारी की बात अगर करेंगे, तो स्तनधारी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथेरिया। बच्चे हम लोग किस श्रेणी में आते हैं, तो यूथेरिया में आते हैं, ठीक है। आपको कंगारू किस में आएगा, तो मेटाथीरिया में होगा। उसमें क्या होता है कि बाहर देखिएगा थैला बना हुआ होता है जिसको मार्सू
पीलस कहते हैं, मार्सुपीलस कहते हैं, जिसमें वह अपने अल्पवयस्क बच्चों को रखती है और वहीं पर उसको दूध पिलाती है बच्चे। और एक होता है कौन, प्रोटोथीरिया, जो अंडा देता है। अंडा देने वाले स्तनधारी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोथीरिया कहते हैं। जैसे डक बिल्ड प्लेटिपस, जैसे एकाडीना, ये सब क्या हुआ आपको, प्रोटोथीरिया की श्रेणी में आते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। ध्वनि, ध्वनि क्या है बच्चे, तो ध्वनि जो है बार बार आपको याद रखना है और प्रकाश भी याद रखना है। क्या करना है, ध्वनि जो है यह जो है, पहली बात क्या कि यह यांत्रिक तरंग है, और आपका जो प्रकाश जो है, प्रकाश जो है आपका कौन सा तरंग है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। एकदम ध्यान में रखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग है। और देखिए हाँ, ये जो है आपको क्या करती है, तो सुनने की क्षमता प्रदान करती है, और ये अनुदैर्ध्य तरंग है। और जब ये माध्यम में गमन करेगा आपको प्रकाश, तो माध्यम में इसकी प्रकृति अनुप्रस्थ की होती है, अनुप्रस्थ होगा, या माध्यम के समानांतर गमन करेगा। ये देखिए समानांतर गमन करेगा, और जब भी गमन करेगा माध्यम के समांतर गमन करेगा, और जब भी गमन करेगा तो संपीड़न और विरलन के समांतर गमन कर रहा है। और यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गमन कर सकता है, और ये जो गमन करेगा तो माध्यम के लंबवत गमन करेगा, लंबवत गमन करेगा, और श्रृंग और गर्त के रूप में गमन करेगा, क्रेस्ट और ट्रॉ के रूप में गमन करता है, क्रेस्ट और ट्रॉ के रूप में गमन करता है, लंबवत गमन करेगा, माध्यम के लंबवत यह गमन करता है। एकदम ध्यान में रखिए, माध्यम के क्या गमन करेगा, लंबवत गमन करेगा। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। ध्वनि तरंग अनुप्रस्थ है, गलत बात है, अनुदैर्ध्य है, लेकिन प्रकाश गलत बात है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, सही है, लेकिन प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है, सही है, दोनों गलत बात है। ये आपका सही है, बी नंबर ऑप्शन। तो बच्चे एकदम याद रखना है, प्रकाश जो है वह देखने की क्षमता प्रदान करता है, और आपको ध्वनि जो है या सुनने की क्षमता प्रदान करता है, दोनों ही ऊर्जा का रूप होता है। चलिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, एक सुचालक में 2 एम्पीयर की विद्युत प्रवाह होती है, कोई बात नहीं है, इसके दोनों थे का अंत 4 वोल्ट की गतिज ऊर्जा पर है, कोई बात नहीं है, सुचालक की प्रतिरोधकता ज्ञात करें। तो ओम का नियम आपको पता है बेटा, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम, तो ओम का नियम होता है भी प्रोपोर्शनल टू आई, और यहां से निकाल लीजिए भी बराबर क्या, आर आई, आर बराबर क्या होगा, तो भी अपॉन आई, और क्या होगा, तो बच्चे आर का वैल्यू निकालना है, और यहां देखिए कितना दिया हुआ है, तो 4 वोल्ट दिया हुआ है, 2 एम्पीयर दिया हुआ, बताइए कितना होगा, 2 ओम हो जाएगा। याद रखना है कि प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, 2 ओम हो गया, प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध, ठीक है, यह किस पर निर्भर करेगा, तो सबसे पहले यह निर्भर करेगा लंबाई पर, और प्रतिरोध लंबाई का समानुपाती होता है, लंबाई का समानुपाती होता है। दूसरा निर्भर करेगा क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, प्रतिरोध जो होता है वह क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध ध्यान में रखिए, पहला बात, यह तापमान का समानुपाती होगा, तापमान के निर्भर करता है बच्चे, ठीक है, प्रभावित होता है किससे, तो प्रभावित होगा कौन कौन चीज से, तो सबसे पहले प्रभावित होगा तापमान से, तो तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा देखिए, यह प्रभावित होता है किससे, तो आपको पता है कि सुचालक पदार्थ यानी प्रकृति हो गई, सुचालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत बहुत कम होता है, और जितना पदार्थ सुचालक होगा प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा, जितना पदार्थ कुचालक होगा प्रतिरोध का मान उतना ही अधिक होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ देखिए, मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके किससे प्राप्त होता है, बच्चे आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है, तो आपको पता है मेल में क्या होता है, मेल में क्या होता है, तो 22 जोड़ा अब प्लस क्या हो गया आपको XY क्रोमोजोम, सेक्स क्रोमोजोम होता है, ये कौन सा क्रोमोजोम है, सेक्स क्रोमोजोम है, सेक्स क्रोमोजोम है बच्चे। और ठीक है, फीमेल में क्या होता है, फीमेल में आप सभी बच्चों को पता है कि फीमेल में 22 जोड़ा अब प्लस क्या होगा, XX क्रोमोजोम होगा, XX क्रोमोजोम होगा। अब देखिए ठीक है, अगर स्पर्म होगा, स्पर्म आपको, स्पर्म दोनों दो प्रकृति के हो सकते हैं, स्पर्म आपको, कोई स्पर्म होगा 22 प्लस एक्स और कोई स्पर्म होगा 22 प्लस वाई, और ठीक है, फीमेल से जब भी होगा तो आपको पता है फीमेल से हमेशा 22 प्लस एक्स ही प्राप्त होगा। अगर देखिए ठीक है, ये फीमेल जो है, फीमेल का 22 प्लस एक्स आपको ठीक है मेल के 22 प्लस एक्स से मिल गया, तो ये क्या होगा, तो डॉटर चाइल्ड होगा,
डॉटर चाइल्ड होगा यानी लड़की होगी, गर्ल चाइल्ड का निर्माण होगा, डॉटर चाइल्ड होगा। और अगर आपको ठीक है 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई मिल गया तो ये ठीक है बॉय चाइल्ड होगा। क्या होगा? बॉय चाइल्ड होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा ये ठीक है। पुरुष जो है एक्स शुक्राणु भी दे सकता है, पुरुष जो है वाई शुक्राणु भी दे सकता है। अब मादा जो है वो हमेशा, माता जो है हमेशा क्या देगी? तो एक्स शुक्राणु ही देगी, या तो माता से या पिता से, दोनों से प्राप्त हो सकता है एक्स क्रोमोसोम। या तो माता से भी पिता प्राप्त हो सकता है और पिता से भी प्राप्त हो सकता है, माता पिता दोनों, या तो माता से या पिता से। या इसीलिए मैंने कहा कि हो सकता है माता दे भी या माता नहीं, बोलते हैं पिता दे भी या नहीं भी दे, पिता हो सकता है वाई भी क्रोमोसोम दे। तो या तो माता से या क्या होगा? पिता से। या तो माता से या पिता से होगा बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा ठीक है। 15 का आपको क्या कह रहा है ठीक है? एक्स शुक्राणु किससे प्राप्त होता है? तो उसके माता से प्राप्त होगा। ये गड़बड़ आपको आंसर दिया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु उसके किससे प्राप्त होगा? तो माता पिता दोनों द्वारा नहीं बच्चे ठीक है, पिता द्वारा। तो अगर वाय रहता यहाँ पर, वाय शुक्राणु कर दीजिए इसको, तब ये आंसर हो जाता क्या? पिता से। लेकिन अगर एक्स शुक्राणु है ठीक है, तो आपको प्राप्त होगा किससे? तो चूंकि वाय शुक्राणु कर दीजिए, आंसर पिता से हो जाएगा। वाय शुक्राणु कर दीजिए, आंसर क्या होगा? पिता से हो जाएगा ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह से प्रश्न आपको पूछेगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर एक्स रहेगा तो याद रखिएगा माता से या पिता से, माता या पिता से, एकदम ध्यान में रखिएगा, माता या पिता से प्राप्त होगा। यदि वाय होगा तो केवल पिता से, केवल पिता से, केवल पिता से होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चे। तो आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, या आंसर हो जाएगा ठीक है, माता से बोल रहा है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स शुक्राणु ठीक है, उसके किससे प्राप्त होगा बच्चे? तो एक एक एक्स शुक्राणु तो हमेशा 100% आपको किससे प्राप्त होगा? तो एक्स शुक्राणु जो है वो हमेशा क्या प्राप्त होगा? या तो माता से या पिता से प्राप्त होगा ठीक है, या तो माता से या पिता से प्राप्त होगा ठीक है। मनुष्य जाति के एक पुरुष को, अब ये देखिए थोड़ा सा और क्वेश्चन को एलेबरेट करते हैं। मनुष्य जाति के एक पुरुष को, पुरुष को एक्स क्रोमोसोम बोल रहा है, पुरुष को एक्स क्रोमोसोम बोल रहा है ठीक है। तो पुरुष को एक्स क्रोमोसोम किससे प्राप्त होगा? तो माता से क्या प्राप्त हुआ? माता से तो एक्स क्रोमोसोम प्राप्त हुआ। पुरुष से क्या प्राप्त होगा? तो पुरुष से प्राप्त होगा, मतलब पिता से क्या प्राप्त होगा? तो वाई क्रोमोसोम प्राप्त होगा। तो एक्स किससे प्राप्त हो रहा है? तो एक्स प्राप्त हो रहा है, ध्यान रखिए बच्चे, एक्स किससे प्राप्त हो रहा है? तो एक्स प्राप्त हो रहा है माता से। तो इसलिए आंसर सही है ठीक है। आपको अगर यहाँ पर कोई भी होगा, क्या बोलते हैं, ये हमको पुरुष या महिला नहीं दिया हुआ है ठीक है, पुरुष या महिला दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन अगर यहाँ पर पुरुष दिया हुआ है तो ध्यान में रखिएगा, पुरुष अगर दिया हुआ है तो पुरुष को क्या प्राप्त होगा? तो पुरुष या महिला देता है बच्चों को, ये बच्चों का बात बोल रहे हैं, बच्चों में बोल रहे हैं, बच्चों में ठीक है। और अगर पूछ रहा है कि बच्चा में, बच्चा अगर मेल है, बच्चा अगर मेल है तो माँ दी होगी एक्स क्रोमोसोम और बाप दिया होगा क्या? वाई क्रोमोसोम। तो ये सही है आपको आंसर ठीक है। मैंने आपको आंसर क्लियर करके, एकदम क्लियर करके बता दिया कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसका एक्स शुक्राणु उसके माता से प्राप्त होगा ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा कि ठीक है कि मनुष्य जाति को पुरुष हटा देता है यहां पर से, क्या हटा देता? पुरुष हटा देता है, एकदम क्लियर रखेगा, पुरुष यहां से हटा देता को उसके एक्स शुक्राणु किससे प्राप्त होता है? तब ये आंसर हो जाता बेटा। देखिए थोड़ा सा एक शब्द यहां से हटा देते तो बवंडर हो जाता। और वाई क्रोमोसोम कहां से प्राप्त होता? तो पिता से प्राप्त होता, वाई क्रोमोसोम पिता से प्राप्त होता। तो एकदम क्लियर रखिएगा कि अगर ऑप्शन में शब्द पुरुष कर दिया इसीलिए माता हो गया, अगर पुरुष नहीं करता, हटा देते पुरुष को, तो मनुष्य जाति को ठीक है उसके शुक्राणु, उसके एक्स शुक्राणु किससे प्राप्त होते हैं? तब क्या होता है? तो या तो माता या पिता से, क्योंकि यहाँ पर ठीक है क्या हो जाता, मेल और फीमेल दोनों हो जाता। फिर अगर बात करते हम कि वाई क्रोमोसोम किससे प्राप्त होता है, तब क्या हो जाता, पुरुष से प्राप्त होता है या पिता से प्राप्त होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर दिया मैंने, इसीलिए इतनी बातें आपको बताए हैं ठीक है। अब देख लीजिए नीचे दिए गए वर्गीकरण में कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर ठीक है था, तो बच्चे परमाणु द्रव्यमान के आधार पर कौन था? आपको पता है न्यूलैंड ने ठीक है तत्वों को उसके परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया। एकदम ध्यान रखिए, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था और इस अष्टक नियम में उन्होंने ठीक है बढ़ते परमाणु भार को, अष्टक नियम में इन्होंने क्या किया, 8-8 तत्वों की श्रेणी बनाई। किसके आधार पर? तो परमाणु भार के आधार पर इन्होंने 8-8 तत्वों की श्रेणी बनाई। एकदम ध्यान में रखिएगा, 8 तत्वों की श्रेणी बनाई, एकदम याद रखिए बच्चे,
श्रेणी बनाई, ठीक है, किसके आधार पर? तो बच्चे ये बनाई इन्होंने, ठीक है, आपको सीरीज बनाई किसके आधार पर? तो परमाणु भार के आधार पर। फिर देखिए आपको, ठीक है, आपका जो डोबोरिनर है, डोबोरिनर ने त्रिक नियम दिया, तो डोबोरिनर ने बार बार कहा कि देखिए एक्स वाई जेड अगर है तो एक्स एक्स वाई का जो परमाणु भार होता है और एक्स और जेड के परमाणु भार का औसत होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, औसत होता है, कोई बात नहीं है। फिर आपको, ठीक है, मेंडलीव ने तो परमाणु भार के आधार पर तत्व को व्यवस्थित किया ही किया, ठीक है, मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया, तो पहला वाला कट गया। डोबोरिनर ने त्रिक नियम दिया और इसमें इन्होंने कहा कि मध्यवर्ती तत्व का परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भार का क्या होगा? औसत होगा। मेंडलीव ने परमाणु भार के आधार पर तत्व को व्यवस्थित किया, लेकिन मोसले आ गया, तो यह भी ऑप्शन कट गया। डोबोरिनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव, इन्होंने परमाणु भार को ही आधार माना। आपको सबसे पहले डोबोरिनर ने, ठीक है, तीन तीन तत्वों की श्रेणी बनाई परमाणु भार के आधार पर। मध्यवर्ती तत्व का परमाणु भार अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भार का क्या था? औसत था। आपको न्यूलैंड ने अष्टक नियम, इन्होंने आठ आठ तत्वों की श्रेणी बनाई और परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने श्रेणी बनाई, तो इन्होंने भी परमाणु भार का आधार बनाया। लेकिन मेंडलीव ने, ठीक है, परमाणु भार के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया और कहा कि देखिए, ठीक है, तत्वों का आवर्ती गुण जो है, पेरियोडिक फंक्शन जो है, वह परमाणु भार का आवर्त फलन होता है। लेकिन मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी की नींव रखी, इन्होंने, ठीक है, उन्होंने पेरियोडिक फंक्शन जो है वो किसको बताया? तो बच्चे परमाणु संख्या को बताया, तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में किस उत्तक को में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो मैंने बार बार आपको बताया कि सबसे दृढ़ सबसे कठोर कौन होगा? तो स्क्लेरल कायमा होगा, और स्क्लेरल कायमा ही मृत होता है, स्क्लेरल कायमा ही मृत होता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, ये मृत होगा और क्या होगा? दृढ़ होगा। मृत होगा और क्या होगा? दृढ़ होगा। और पेरेन्काइमा ये स्पंजी होगा और इसमें बहुत सारा स्पेस खाली रहता है, बहुत सारा स्पेस खाली रहेगा। कोलेनकाइमा में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो मैं बार बार इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ आपको कि देखिए पादप उत्तक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विभाज्य उत्तक, दूसरा होता है अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जटिल, दूसरा क्या होता है? सरल। सरल की बात अगर करेंगे तो यह तीन प्रकार का होगा, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में स्पंजी होता है, पेरेन्काइमा स्पंजी होता है, उसमें बहुत सारा स्पेस होता है, अंतरवेशीय स्थान बहुत सारा खाली होता है, इसमें हवा भरा रहता है। और दूसरा जो है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा में लचीला होता है और इसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा बेटा। आगे देख रहे हैं, यहां देखिए अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है? तो बच्चे एक ही अधातु नहीं, दो अधातु चमकदार होते हैं, आयोडीन, आयोडीन और एक होता है कौन? तो ग्रेफाइट। बच्चे ग्रेफाइट, ये दोनों अधातु जो है वो चमकदार होता है। क्या होता है? चमकदार होगा, चमकदार होता है, एकदम ध्यान में रखना है आपको, बार बार क्वेश्चन पूछता है। और नियोन, नियोन, नियोन क्या है बच्चे? तो नियोन जो है रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। और क्लोरीन क्या होता है? हरित पीली गैस है, हरित पीली गैस है बच्चे। और ये हेलोजेन है। और फ्लोरीन क्या है? ये पीली गैस है। कौन सी गैस? पीली गैस है बच्चे, एकदम याद रखिएगा, येलो कलर का होता है। तो नियोन और ठीक है, नियोन जो है वह अक्रिय गैस है, 18वें नंबर का तत्व, रंगहीन होता है। आयोडीन जो है वह क्या होगा? तो बच्चे आयोडीन की परमाणु संख्या 53 होती है। और यह जो है आपको, ठीक है, 17वें वर्ग में पाया जाता है और यह ठोस अवस्था में रहता है, ये बैगनी ठोस है। क्लोरीन, फ्लोरीन ये भी आपको क्या है? तो क्या बोलते हैं, हेलोजन है। और ठीक है, क्लोरीन रंगीन होगा, फ्लोरीन भी रंगीन होगा। और क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ आगे बढ़ रही है, उसकी गतिज ऊर्जा 120 जूल है, तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो आसान क्वेश्चन है बच्चा, आपको क्या करना है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv² होता है, 1/2 mv². अब क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ 120 बराबर 1/2 गुना एम, एम का मान निकालना है, गुना भी का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, एम बराबर क्या होगा? तो 120 गुना 2/16, 2 × 8 = 16 और 15 × 8 = 20 से, यानी कितना kg? तो बच्चे 15 kg हो जाएगा, तो 15 kg आपका आंसर हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, आसान क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv², इसके आधार पर हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? तो विखंडन आपको पता है, नाभिकीय विखंडन की बात अगर करेंगे, नाभिकीय विखंडन की बात अगर करेंगे तो ये क्या होगा? तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लेकिन ये विखंडन वो विखंडन नहीं है बच्चे। तो होता क्या है, होता क्या है कि आपको जब भी,
जब भी अलैंगिक प्रजनन होता है, याद रखना बच्चे, कौन सा प्रजनन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जब होगा, अलैंगिक प्रजनन होता है, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में क्या होगा तो आपको कोशिकाएं दो भाग में टूटती हैं बच्चे। सबसे पहले क्या होगा तो द्विविखंडन, जैसे अमीबा में द्विविखंडन पाया जाता है। द्विविखंडन किसमें? बाइनरी फिशन बोलते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, ये सब में बच्चे, अमीबा, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा, अमीबा ये क्या होगा तो इसमें द्विविखंडन पाया जाएगा। जैसे अब देखिए बहुविखंडन, मल्टीपल फिजन होता है, मल्टीपल फिजन बहुविखंडन होगा। तो बहुविखंडन किसमें होगा? तो जैसे बहुविखंडन होगा प्लाज्मोडियम में, किसमें होगा? प्लाज्मोडियम में। तो बहुविखंडन होता है, तो बच्चे एक ही साथ बहुत बार, ये मान लीजिए कोशिका है, ये क्या होगा आपको बहुत बार टूट जाता है। तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर ये विखंडन, चूंकि सीधा विखंडन फिजन की बात कर रहा है, तो नियंत्रित और अनियंत्रित। नाभिक विखंडन की बात करेंगे तो यह दो प्रकार का होगा। कौन? तो एक होगा नियंत्रित नाभिक विखंडन, जिस पर परमाणु रिएक्टर आधारित है, और दूसरा होगा अनियंत्रित नाभिक विखंडन, जिस पर क्या है आपको परमाणु बम स्थित है। तो ध्यान में रखिएगा, उसी सिद्धांत पर आधारित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? बच्चे आपको जी मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और जी बराबर क्या होता है? एफ आर स्क्वायर बटा क्या होगा? m1 into m2, और इसका मात्रक देखिए, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और ये क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना होता है? तो 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है, ठीक है? ये गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी होता है। जी बराबर क्या होगा? तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जी बराबर जीएम अपॉन आर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दबाव, दबाव मतलब प्रेशर, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन क्या होगा? एरिया होगा, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, इसी को पास्कल बोलते हैं। संवेग क्या होता है? तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, और यह होता है केजी मीटर पर सेकेंड या न्यूटन इंटू सेकेंड। आपको पता होगा बच्चे, संवेग में परिवर्तन को हम आवेग भी कहते हैं, और ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये दिया था किसने? तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे, प्रकाश सबसे अधिक गति से किस में यात्रा करती है? तो बच्चे प्रकाश जो है, ठीक है, प्रकाश का वेग किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का वेग, ध्यान में रखिए बच्चे, प्रकाश का वेग यह दो कारकों पर निर्भर करता है। किस पर? तो प्रकाश का वेग c बराबर होता है 1/√ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और प्रकाश का वेग, ठीक है, प्रकाश का वेग c का मान देखिए सबसे अधिक किस में होगा? c का मान सबसे अधिक होगा कहाँ पर? तो निर्वात में। कहाँ पर होगा? निर्वात में। उसके बाद किस में होगा? तो बच्चे गैस में होगा। उसके बाद किस में होगा? तो आपको द्रव में होगा। उसके बाद ठोस में होगा। तो ये ध्यान में आपको रखना चाहिए, सबसे अधिक किस में होगा? निर्वात में। तो यह कितना होगा? निर्वात में, आपको पता है निर्वात में, ठीक है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। पानी में उससे कम होगा, कांच में सबसे कम होगा बच्चे, निर्वात में सबसे अधिक, उसके बाद पानी में, ठीक है, उसके बाद निर्वात के बाद वायु में, वायु के बाद पानी में, उसके बाद क्या होगा? कांच में होगा ध्वनि की, बोलते प्रकाश की चाल। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डॉल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में कौन सा कथन सही है? डॉल्टन ने सबसे पहले 1803 में अपना परमाणु सिद्धांत दिया। डॉल्टन ने कब दिया परमाणु सिद्धांत? 1803 में दिया, और इसके अनुसार परमाणु क्या होता है? तो परमाणु, ठीक है, परमाणु आपको तत्व का सबसे छोटा कण है, याद रखिएगा, तत्व का सबसे छोटा कण है परमाणु, तत्व का क्या है? सबसे छोटा कण है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, सबसे छोटा कण है, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह आपको रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन यह जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा। बच्चे इन्होंने बस एक ही गलती कर दी, इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में परमाणु क्या है? विभाज्य है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है, गलत बात है, ठीक है। कौन सा कथन सही है? समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान परंतु रासायनिक प्रति समान, गलत बात है बच्चे, ठीक है। समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, परमाणु पदार्थों के अविभाज्य कण है, तो यही इन्होंने बताया। अभी तुरंत मैंने बताया था कि देखिए परमाणु क्या है, इन्होंने गलती कर दी थी कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो आपका आंसर यही सही है, लेकिन ये कथन जो है गलत है। वर्तमान परिदृश्य की बात अगर करेंगे तो परमाणु 100 से भी अधिक कणों में तोड़ा जा चुका है, ये याद रखिएगा बच्चे। तो आंसर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? बच्चे कैल्शियम जो है क्षारीय मृदा धातु है,
क्षारीय मृदा धातु है, एकदम याद रखिएगा, क्षारीय मृदा धातु है। और ठीक है, ये याद रखिए कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है। कैल्शियम जो है 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p6 बच्चे, और क्या होगा 4s2। ये देखिए, इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और एक क्रियाशील होता है, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, तो 40 होगी। तो परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, किसका, कैल्शियम का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, 35 नंबर सेट में। जय हिंद, जय भारत।